नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना डिटेल, अपना पता डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जो बाहर के मरीज हैं जो आ नहीं सकते हैं, वो मुझसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल सारी देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉमन है, जो एक लेडीज डिजीज़ है जो अक्सर लेडीज़ में देखने को मिलती है, जिसका नाम है PCOD या PCOS, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या एक ओवेरी जो कि मुख्य जननांग होता है लेडीज का, उसका एक पार्ट होता है, उसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं PCOD। यह हर साल लगभग अपने इंडिया में 10 लाख लोगों को यह डायग्नोस होती है डिजीज, और यह अपने इंडिया में मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 लेडीज में से एक लेडीज में यह डिजीज देखने को मिल जाती है, और 70% लेडीज को तो पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर यह डिजीज है। जब उनके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, या उनके जब मेंसेस के साथ में पेन होना शुरू होता है, या उनके मेंसेस स्किप होना शुरू हो जाते हैं, तब उनको पता चलता है, जब वो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, कि उनको PCOD है या उनकी ओवरी में सिस्ट है, गांठें बन गई है, जिसकी वजह से ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, PCOD को आप बिना किसी परेशानी के होम्योपैथी द्वारा आप बिल्कुल आराम से ट्रीट कर सकते हैं, इसका उपचार संभव है। दोस्तों, PCOD को समझने के लिए पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ सकते हैं कि ओवरी कहाँ होती है, यूट्रस कहाँ होता है, और इसमें जो सिस्ट बन जाती है ओवरी में वो कहाँ बन जाती है और किस तरह से बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्य होता है, दो ओवरीज होती है, ये लेफ्ट और राइट, ये दो साइड में उनकी ओवरीज होती है, और ओवरी जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ओवरी लिगामेंट से ये अटैच रहती है, उनको सपोर्ट से ये यहाँ पे अटैच रहती है। उसके साथ जो ओवरीज होती है आगे की तरफ, वो फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे लिंक रहती है, और फेलोपियन ट्यूब आगे यूट्रस से कनेक्ट रहती है, और यहाँ पे जब भी ये जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पे सिस्ट बन जाती है। जैसे ये जो ओवरी का, जैसे मैंने आपको बताया, काम होता है फॉलिकल्स बनाना, और फॉलिकल्स के अंदर ओवम होता है, एग्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो फीमेल का मेंसेस साइकिल होते हैं उसमें 13वें 14वें दिन यहाँ पर फॉलिकल्स में से ओवम रिलीज होते हैं। ये हेल्दी ओवरी है, और यह ओवरी वो है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें सिस्ट बन रखी है। तो यहाँ पर वो इस जो हेल्दी ओवरी होती है वो तो ओवम रिलीज करती है, और वो ओवम यहाँ से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ यूट्रस में आता है। 13वें 14वें दिन में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर यह इसमें निषेचित होता है, और यहाँ पर ये यूट्रस में यह इम्प्लांट हो जाता है, और ये यहाँ पर इसको फिटस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस दौरान अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो यह मेंसेस के दौरान यूजुअल जो मेंसेस के साथ यह ओवम बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आपको PCOD होता है, जब सिस्ट बन जाती है, तो यहां पर यह ओवम सिस्ट में से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि सिस्ट के वो रप्चर नहीं हो पाती है। इस तरह से ये आपका ये सिस्ट बनी रहती है। यहाँ पे यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह PCOD का ये जो सिस्ट है, ये ओवरिन सिस्ट कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं PCOD के कारणों की, कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से PCOD होता है। दोस्तों, जो हमारी जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बनती है उसका जो कंट्रोल होता है, मेनली वो कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसका नाम होता है LH, FSH और GnRH। ये जो हार्मोन होते हैं, ये हमारी ओवरी के अंदर उसको फॉलिकल्स को बनाने में उसमें मदद करती है, और उसका फॉलिकल्स बनाती है। जब FSH हार्मोन जब बनता है, जब उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी ओवरी में फॉलिकल्स काफी मात्रा में बन जाती है, और ये जब ज्यादा बन जाती है तो उसमें इमेच्योर, उसमें एग्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और दोस्तों, LH हार्मोन जो होता है उसका काम होता है फॉलिकल्स को रप्चर करके उसमें से एग को बाहर निकालना। जब LH हार्मोन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है, जिसके कारण वहां से फॉलिकल में से एग बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वहां पर वो गर्भधारण नहीं कर पाती है, क्योंकि जब एग नहीं होता है, जब ओवम नहीं बनेगा तो वहां पे गर्भधारण नहीं होता, जिसके कारण वहां पे इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। और जो तीसरा हार्मोन होता है, जो होता है GnRH, जब GnRH हार्मोन का सिक्रीशन जब बढ़ जाता है, जिसके कारण फीमेल में कुछ मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण होता है। जब वो GnRH हार्मोन बढ़ेगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी वहां पर उनमें कुछ मेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मेंसेस उसमें इरेगुलेटरी आ जाती है, और उनके साथ साथ कुछ जैसे उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से कुछ उनके सेकेंडरी कुछ सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन इनके साथ साथ बात करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम मिलते हैं इन हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि कहीं ये PCOD तो नहीं है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आपको तो देखने को मिलेगा वो सिम्टम होता है, आपके मेंसेस में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी आ जाती है, क्योंकि जब आपको PCOD होता है तो आपके हार्मोन्स में इंबैलेंस काफी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो हार्मोन्स होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो होता है, इनका सिक्रीशन काफी कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके मेंसेस में इरेगुलरिटी हो जाती है। मेंसेस 3-3, 4-4 महीने तक उनको मेंसेस नहीं आते हैं, और अगर आते हैं
तो वो बिल्कुल कुछ स्पॉटिंग होती है कुछ, और उसके बाद में एक या दो दिन के लिए मान लीजिए हल्का सा स्पॉटिंग होता है, और उसके बाद वापस उनको पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और उसके साथ साथ कई लेडीज में ये भी देखने को मिलता है कि उनको मेंसेज के दौरान काफ़ी पेन भी होता है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, पेट थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी में थोड़ा सा उनमें फूलापन भी रह सकता है, इस तरह के कुछ उनमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ उनको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे उनके जो अपर लिप्स होते हैं अपर लिप्स से उनको काफ़ी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, उनके चिन पे या इस रीजन पे उनको बाल आना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ उनके हाथों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनके पैरों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ उनके ब्रेस्ट पे उनके बैक पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज़ में भी कई दफ़ा ये भी देखने को मिला कि कुछ भारीपन सा आ जाता है। कई लोग लेडीज़ में ये भी देखने को मिलता है कि उनके चेहरे पे उनके पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी पीसीओडी के कारण हो सकता है दोस्तों। इसके साथ कई लेडीज़ ये जो होती है उनमें इंसुलिन का जो होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से उनमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। कुछ लेडीज़ होती है जिसके अंदर थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको थायराइड की वो पेशेंट हो जाती है, टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, उनमें मोटापा बहुत बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, और जब उनमें एग प्रोड्यूस नहीं हो पाता जिसके कारण वो गर्भधारण नहीं कर पाती है, उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या टूल है हमारे पास जिसकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला है वो मैं कहूंगा आपको, जो मैंने आपको साइन और सिम्टम बताए हैं आप उनको पहले कंफर्म करें कि क्या, अगर ये साइन और सिम्टम मिल रहे हैं तो ये सबसे पहला है कि इसका इन्वेस्टिगेशन का एक हमारे पास एक बेस होता है जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हमें अगर ये सिम्टम है तो आपको ये पीसीओडी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशंस की, तो इसमें जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है यूएसजी एब्डोमेन। आप यूएसजी एब्डोमेन करवाते हैं तो उससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपके ओवरी में सिस्ट तो नहीं बन गई है, कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं हो गया। अगर आपको पीसीओडी हो गया तो आपकी यूएसजी एब्डोमेन में उसमें मेंशन हो जाता है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो इसका जो होता है इन्वेस्टिगेशन वो होता है इसमें आपका हार्मोनल स्टडी होती है, LH FSH और इसका GnRH, आज जो हार्मोन्स होते हैं उसके आधार पर आप पहचान सकते हैं अगर उनमें हार्मोन्स में जैसा मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का इंबैलेंस है तो भी आपको ये पीसीओडी का आपको संकेत देता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की दोस्तों। होम्योपैथी द्वारा आप इसको बड़ी आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप हल्का व्यायाम करें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, और जो सबसे जो जरूरी काम करना है वो होता है आपको अपनी ओबेसिटी यानी आपको मोटापे को आपको कंट्रोल करना होता है। आप अपने खानपान में इस तरह का बदलाव करें, फैट कम लें, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करें, और थोड़ा सा हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज करें ताकि आपको मोटापा ना आए। अगर आपको ओबेसिटी है तो आप उसको कंट्रोल करें। चलिए दोस्तों अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो होती है एपिस 30। एपिस 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायरेजी पर दिन में 3 बार। एपिस 30 में देखने को मिलता है अगर आपकी राइट ओवरी में अगर सिस्ट बन गई है तो वहां पर एपिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। आपको राइट साइड में आपको हैवीनेस रहेगा, आपको पेन रहेगा, और इसके साथ अगर लेफ्ट साइड में भी है तो उसमें भी एपिस 30 बहुत अच्छा काम करेगा। और एपिस 30 में ये भी अक्सर देखने को गया था वहाँ पे आपको मेंसेस में आपको रुकावट आ जाती है, वहाँ पे आपको मेंसेस बंद हो जाते हैं, एमेनोरिया हो जाता है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ पर एपिस 30 बहुत अच्छा काम करता है। एपिस 30 लगभग जो पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें लगभग सबको दिया जाता है, एपिस 30 का बहुत अच्छा वहाँ पे रोल है। अगली दवा है हमारी ओरम आयोड 30, इसको लेने का भी तरीका वही है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जी पर। पीसीओडी के अंदर ओरम आयोड भी बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो दवा है वो होती है कोनियम मैक 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार। कोनियम मैक जहाँ पर भी आपको ग्लैंडुलर आपको कोई भी स्वेलिंग है या कहीं भी आपको सिस्ट बन गई है वहाँ पर कोनियम मैक का बहुत अच्छा रोल होता है। अगली जो दवा दी जाती है वो होती है लैकेसिस 30 को लेने का तरीका होता है दिन में 2 बार 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जी पर। दोस्तों लैकेसिस 30 में अगर आपको पीसीओडी अगर आपको लेफ्ट साइड में है वहाँ पर लैकेसिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो दवा होती है वो होती है ऊफोरिनम 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 2 बार। ऊफोरिनम 30 जो होता है दोस्तों वो आपको ओवम सिक्रीशन में आपको मदद करता है, ओवुलेशन को वो हेल्प करता है, और आपके गर्भधारण में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ में जो अगली दवा आती है वो होती है थुजा 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीप पर दिन में 3 बार। थुजा 30 जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया, कहीं पर भी आपको अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग है या कहीं पर भी आपको सिस्ट बन गई है या कहीं पर भी आपको ओवरग्रोथ हो गई है वहाँ पर थुजा 30 बहुत अच्छा काम करती है।
थुजा 30 ओवर ग्रोथ के लिए जानी जाती है दोस्तों, इसलिए पीसीओडी के जो भी पेशेंट होते हैं उसमें थुजा 30 में जरूर देता हूं। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी, इसके अलावा और भी काफी कुछ मेडिसिन होती है जो साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंगली दी जाती है, इसलिए आप जब भी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपको अच्छा रहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।